गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। दीदी बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए। तो आज हमको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में रहने के क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है, राइट? बताओ बच्चों, हमने इसी बारे में पढ़ा था ना? यस मैम। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में रहने के क्या एडवांटेजेस होते हैं? चिल्ड्रन लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली आर मोर इंटरएक्टिव एंड एक्सपेक्टिव। बेटा प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। जब आपको कुछ बोलना हो तभी ऑन करिए, उसके बाद में फिर बंद कर दीजिए, ठीक है? Children living in a joint family are more interactive and expressive. जो भी बच्चे joint family में रहते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा interactive होते हैं, means लोगों से घुलते मिलते हैं, जल्दी घुलते मिलते हैं, और expressive होते हैं, means अपनी बात को सबसे बोल देते हैं। They enjoy the support and love from the entire family, including grandparents. और उनको क्या होता है? उन सबको अपने घर में सभी लोगों से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। इसके साथ grandparents के साथ। They learn some good habits. वो क्या learn करते हैं? कुछ good habits को learn करते हैं। अब वो गुड हैबिट क्या है? लाइक शेयरिंग, केयरिंग, डूइंग थिंग्स टुगेदर, गिविंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एटसेट्रा। तो गुड थिंग्स वो लोग क्या लर्न करते हैं? चीजों को शेयर करना, चीजों की ध्यान रखना, लोगों की केयर करना, साथ में काम करना और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। In recent times, both the parents have to work to run a family. So recent time means आज के time में क्या होता है? जो घर में जो भी हमारे parents होते हैं, हमारी family को run करने के लिए दोनों को काम करना पड़ता है। If there is some elder to take care of the children at home, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? घर में कोई ना कोई बड़ा, एल्डर मतलब होता है बड़ा, घर में कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए वो क्या कर सके? बच्चों की देखभाल को कर सके। Then the parents can work without much of stress. तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? बिना किसी स्ट्रेस के काम कर सकते हैं। And the child is also not left at the mercy of maid. और child भी क्या होगा? वो किसी भी maid के उसमें नहीं रहेगा, किसी भी maid के under नहीं रहेगा। और a day boarding, किसी day boarding में नहीं रहेगा। Above all, the guidance of elder people is useful and invaluable. इसके साथ साथ जो भी हमारे एल्डर्स जो हमें सिखाते हैं वो कैसा होता है? वो यूजफुल होता है, ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। और क्या होता है? इनवैल्यूएबल होता है। वो ऐसी चीजें सिखाते हैं जिसका कोई मोल नहीं होता, ठीक? तो आप लोग को एडवांटेजेस समझ में आए जॉइंट फैमिली में रहने के? बताओ बच्चों। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। किसका एडवांटेज पढ़ेंगे? न्यूक्लियर फैमिली में रहने का एडवांटेज पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी फैमिली होती है? बताओ साक्षी। मैम स्मॉल फैमिली।
न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? स्मॉल फैमिली होती है, जिसमें कौन होते हैं? मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, ठीक। Nowadays, the joint family system has become more extended. आज के टाइम में क्या हो गया है, जो joint family है वो बहुत कम हो गई है। Now, more and more people prefer living in a nuclear family for several reasons. और आज के टाइम में जो भी लोग हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े हैं, वो किस में रहना ज्यादा पसंद करते हैं? न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। अब वो रीजंस क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गेट जॉब इन द सेम सिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जिनको एक ही शहर में काम नहीं मिलता है, सो दे हैव टू लिव सेपरेटली। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनको अलग रहना पड़ता है। एंड देयर आर मोर मेंबर्स इन एन एक्सटेंडेड फैमिली विद डिफरेंट व्यूज एंड थॉट्स। फिर एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होते हैं, ज्यादा मेंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से सबके अपने थॉट्स और व्यूज, सबके जो सोच है और जो सबके विचार है वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। सो देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइटिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग देम। तो इससे क्या हो सकता है, इसकी वजह से उनके बीच में फाइटिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर आता है, न्यूक्लियर फैमिली मेंबर्स आर मोर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस। जो न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आजाद होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, ठीक है। इन अ न्यूक्लियर फैमिली द मेंबर्स हैव full freedom to spend their money in their own way. Nuclear family में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में ये होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से पैसों को खर्च कर सकते हैं। जहाँ पर भी उनको पैसे खर्च करने हैं वो अपनी मर्जी से वहाँ पर पैसे खर्च कर देंगे। But in a joint family, they hold expenses, increases and all income comes to the head of the family. पर joint family में क्या होता है, joint family में ये होता है जो भी वो लोग कमाते हैं, जो भी हमारे parents पैसे कमाते हैं, वो सारे पैसे किसके पास चले जाते हैं, घर के elder के पास चले जाते हैं, means जो हमारे घर के बड़े होते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो लोग अपनी मर्जी से पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं। Nowadays, everybody needs freedom. आज के टाइम में सबको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का मतलब हो गया आजादी। आज के टाइम में सबको क्या चाहिए, आजादी चाहिए। Especially the growing children do not like to be taught about very small things. स्पेशली बच्चों को, क्यों, क्योंकि उनको क्या नहीं चाहिए, उनको अगर कोई अच्छी बातों को सिखा रहा है तो वो सीखना नहीं चाहते हैं। अबाउट वेरी स्मॉल थिंग एंड दे गेट इरिटेटेड, और जिससे क्या होता है, वो इरिटेट हो जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। इन एन एक्सटेंडेड फैमिली, पर जब एक्सटेंडेड फैमिली की बात आती है, द मेंबर लूज देयर प्राइवेसी, सो पीपल प्रेफर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। जब किसकी बात आती है, जॉइंट फैमिली की बात आती है, मीन्स एक्सटेंडेड फैमिली की बात आती है, तो उसमें जो पीपल होते हैं, जो भी मेंबर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो प्राइवेसी होती है, जो उनका अकेलापन होता है, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए लोग किस में रहना प्रेफर करते हैं,
न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं. अब ऑल डिफरेंट जनरेशन इन द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ्टन हैव डिफरेंट थिंकिंग डिफरेंट एटीट्यूड सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू प्लीज ईच अदर. तो अगर हम सब देखें तो क्या है डिफरेंट जनरेशन एक्सटेंडेड फैमिली में हमारी जो जॉइंट फैमिली है उसमें जो अलग अलग जनरेशन हैं वो क्या है उन सबके अपनी अपनी सोच होती है सबका अपना अपना एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से क्या होता है हमें सॉरी बोलने में भी हमको उनसे रिक्वेस्ट करने में थोड़ी सी शर्म लगती है बल्कि थोड़ा सा हमें उनको प्लीज या सॉरी बोलना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उनको कैसे प्लीज या सॉरी बोले. इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे फैमिली की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. हमारी फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. एन इंडिविजुअल इज नोन बाय हिज और हर एक्शन. हम हर एक पर्सन को मीन्स हर एक इंडिविजुअल पर्सन को कैसे जानते हैं उसके एक्शन से जानते हैं वो क्या करता है. It is our family that gives us an identity. Identity का मतलब होता है पहचान. Identity का क्या मतलब होता है पहचान. जिसमें क्या होता है हमारी फैमिली ही है जिससे हमें क्या मिलती है identity मिलती है. मीन्स हमारी फैमिली से ही हमको क्या मिलती है पहचान मिलती है. All of us inherited our physical characteristics from our parents. और हम सबको क्या होता है हमारे पेरेंट्स से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज मीन्स कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती है. They teach us what is wrong and what is right. तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं क्या सही है और क्या गलत है. ये कौन सी ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं हमें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो अच्छी नहीं है और हमें उन्हें नहीं करना चाहिए. तो आप सबके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं ना कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए और ये काम करना चाहिए. बता सकते हो. यस मैम. तो सुना करिए अपने मम्मी पापा की बातों को जो वो बोलते हैं ठीक है ना. आर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल एंड पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट टीचर. तो हमारा जो सबसे पहला स्कूल होता है हमारा सबसे पहला स्कूल क्या होता है हमारा घर होता है मीन्स हमारी फैमिली होती है क्योंकि हम हमें कौन सिखाना स्टार्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स ही सिखाना स्टार्ट करते हैं ना हमको है ना. और हमारे पेरेंट्स ही क्या होते हैं हमारे पेरेंट्स ही हमारे सबसे पहले टीचर्स होते हैं. हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं हमारे पेरेंट्स ही हमारे सबसे पहले टीचर होते हैं. और क्या होता है हमारे फैमिली मीन हमारी फैमिली ही क्या होता है हमारा सबसे पहला स्कूल ही हमारी फैमिली होती है. स्कूल टीचर्स अस द मॉरल वैल्यूज ऑफ शेयरिंग केयरिंग अंडरस्टैंडिंग पेशेंस रिस्पेक्टिंग अदर्स एक्सेट्रा. ऋषि बेटा प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए. हमारी फैमिली क्या होती है हमारी फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होता है और हमारे टीचर्स हमारे फर्स्ट पेरेंट्स होते हैं. और वो हमें क्या सिखाते हैं हमें कैसे लोगों के साथ में अपने सामान को शेयर करना चाहिए कैसे सबकी देखभाल करनी चाहिए कैसे चीजों को समझना चाहिए कैसे हमें पेशेंस रखना चाहिए धैर्य रखना चाहिए हमें कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो जो भी जितने भी गुड मैनर्स होते हैं वो हमें कौन सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स ही हमको सबसे पहले सिखाते हैं.
It indicates all the good qualities. और ये क्या दिखाता है? हमारे अंदर की सभी good qualities को दिखाता है. Which helps in making us good person with good manners. जो हमको क्या करता है? हमको अच्छा इंसान बनाता है जिसमें क्या होते हैं? अच्छे manners होते हैं. Politeness, togetherness, courtesy, etiquette and so on. See, our family gives us the strength to face the world outside. हमारी फैमिली हमको क्या देती है? हमारी फैमिली हमको स्ट्रेंथ देती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो बाहर की दुनिया है, हमारे घर के बाहर की दुनिया है, उसको हम फेस कर सके, उससे हम क्या कर सके, फेस कर सके. इट गिव्स अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव. और हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं. इट फुलफिल्स ऑल आवर डेली नीड्स. और वो क्या करते हैं? हमारी जितनी भी डेली नीड्स है, नीड्स हमारी जो रोज की जरूरतें हैं, उसको भी वही फुलफिल करते हैं. इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अस. और वो हमें किसके बारे में सिखाते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखना अपने बेसिस पे. ठीक है, हमें क्या करना होता है? आपकी मम्मी आपको कुछ काम बोलती होगी करने के लिए, तो वो क्या होता है? उसको आपको करना होता है. वो क्या होता है? उस काम को करने की आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी. ओके, अब आते हैं हम फ्रेंड्स पे. अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था फैमिली के बारे में. अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? फैमिली के बारे में. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रेंड्स के बारे में. I have many friends. मेरे पास क्या है? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. गीता, अमित, परी, मानव एंड राहुल आर माई फ्रेंड. तो आप सबके कई सारे फ्रेंड्स हैं ना? बताओ बच्चों, आप सबके फ्रेंड्स हैं ना? कई सारे? Yes, ma'am. हाँ, बस परी इज माई फ्रेंड. पर उन सब में से आपका एक अपना बेस्ट फ्रेंड होगा. वी आर क्लासमेट एंड बैंकमेट ऑल्सो. हम लोग क्या है? हम लोग क्लासमेट भी है और बैंकमेट भी है. क्लासमेट का मतलब होता है हम लोग एक क्लास में पढ़ते हैं एक साथ, और बैंकमेट का मतलब होता है हम एक ही सब्जेक्ट के अनुसार एक साथ पढ़ते हैं. We eat, play and study together. हम लोग क्या करते हैं? हम साथ में खाते हैं, साथ में खेलते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं. She is very good at painting. वो कितने अच्छी है? पेंटिंग में बहुत अच्छी है. I like playing badminton. और मुझे क्या खेलना पसंद है? बैडमिंटन खेलना पसंद है. तो अब ये चाहते हैं यहाँ पे खत्म होता है. आप सबको समझ में आया? बता दो. Yes, आप सबको समझ में आया कि न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है? बताइए, सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, अब जवाब दीजिएगा. आप सबको पसंद समझ में आया कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या होती है? यस मैम. उसके एडवांटेज समझ में आए? न्यूक्लियर फैमिली के क्या एडवांटेजेस होते हैं और जॉइंट फैमिली के क्या एडवांटेजेस होते हैं? बताइए.
बताइए बच्चों, सबको समझ में आया? यस मैम। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चैप्टर से हार्ड वर्क करेंगे। क्या करेंगे? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। तो हमारा पहला हार्ड वर्ड है अनकंडीशनल, यू एन सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन ए एल। क्या है हमारा पहला हार्ड वर्ड? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल की स्पेलिंग क्या है? यू एन सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन ए एल, अनकंडीशनल। सब लोग बोलो क्या है वर्ड, कौन सा वर्ड है ये? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। अब सेकेंड आता है हमारा डिमांड, डी ई एम ए एन डी एस। सेकेंड वर्ड क्या है हमारा? डिमांड। डिवाइन। डिमांड स्पेलिंग बोलिए, डी ई एम ए एन डी एस। डिमांड। सब बोलिए क्या है सेकेंड वर्ड? डिमांड, डी ई एम ए एन डी एस। डिमांड। आया सबको समझ में? यस मैम। कौन है हमारा प्रोटेक्ट? टी आर ओ टी ई टी एस, प्रोटेक्ट। हर वर्ड क्या है हमारा? प्रोटेक्ट। टी आर ओ टी ई टी एस, प्रोटेक्ट। थर्ड वर्ड प्रोटेक्ट, टी आर ओ टी ई सी टी एस, प्रोटेक्ट। ओके सबको आया समझ में? फोर्थ वर्ड है हमारा हार्ट, एच ए आर डी हार्ट, एस एच आई टी हार्टशिप। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा? हार्टशिप। एच ए आर डी हार्ट, एस एच आई टी एस शिप, हार्टशिप। अब फिफ्थ वर्ड आता है हमारा फैमिली, एस ए एम आई एल वाई। वर्ड क्या है हमारा? फैमिली, एस ए एम आई एल वाई, फैमिली। फिर सिक्स वर्ड है हमारा न्यूक्लियर, एन यू पी एल ए आर, न्यूक्लियर। सिक्स वर्ड क्या है? न्यूक्लियर, एन यू पी एल ई ए आर। सब साथ में बोलिए न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। अब सेवेंथ वर्ड है हमारा एक्सटेंडेड, ई एस टी ई एल डी ई डी। क्या है? एक्सटेंडेड, ई एस टी ई एल डी ई डी, एक्सटेंडेड। बोलिए सब लोग क्या है ये एक्सटेंडेड? E S T E N D E D, extended.
फिर एक वर्ड है हमारा जनरेशन. एक वर्ड क्या है? जनरेशन. जी एन ई आर ए पी आई ओ एन एस जनरेशन. फिर क्या है हमारा? जनरेशन. फिर क्या है? जनरेशन. जी ई एन ई आर ए पी आई ओ एन एस जनरेशन. ओके, सबको आया समझ में? अब हमारा नाइन्थ वर्ड है ओकेजन. क्या है? ओकेजन. ओ डबल सी ए एस आई ओ एन एस. क्या है? ओकेजन. ओ डबल सी ए एस आई ओ एन एस ओकेजन. बोलिए साथ में ओकेजन. फिर टेंथ वर्ड है हमारा इंटरएक्टिव. क्या है? इंटरएक्टिव. आई एन टी ई आर ए टी टी आई वी ई इंटरएक्टिव. क्या है? इंटरएक्टिव. आई एन टी ई आर ए टी टी आई वी एक्टिव. फिर इलेवेंथ वर्ड क्या है हमारा? हब. एस ए बी आई टी एस. क्या है? हब. इलेवेंथ वर्ड क्या है हमारा? हब. एस ए बी आई टी एस हब. फिर हमारा एक लास्ट वर्ड है ट्वेल्थ. क्या है वो? रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर ई एस टी ओ एन एस आई बी आई एल आई टी वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो लास्ट वर्ड क्या है हमारा? Responsibility. R E S P O N S I B I L I T Y. Responsibility. Okay, बच्चों. Okay, ma'am. आप सबको hard words आ गए समझ में कि हमारे hard words क्या है? तो बताइए हमारा पहला हार्ड वर्ड क्या है? पहला हार्ड वर्ड हाँ अनकंडीशनल. हाँ अनकंडीशनल. तो हमारा फर्स्ट हार्ड वर्ड क्या है? अनकंडीशनल. सेकंड हार्ड वर्ड क्या है? Reverb. Demand. Second hard word क्या है? Demand. Demand. Third hard word क्या है? Purpose. Project. Third क्या है? Project. Then fourth क्या है? Handship. Hardship. क्या है fourth? Hardship. Fifth क्या है? Family. फैमिली. सिक्स क्या है? न्यूक्लियर. सिक्स क्या है? न्यूक्लियर. बोलिए. न्यूक्लियर.
हाँ साथ में बोलिए न्यू लीडर लीडर. सिक्स्थ वर्ड क्या है हमारा न्यू क्लियर. अब सेवेंथ वर्ड क्या है हमारा बताइए. क्लियर सेवेंथ वर्ड. नेक्स्ट वर्ड क्या है. नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा. मैम एक्साइटेड एक्सटेंडेड. अगला शब्द क्या है एक्सटेंडेड. ओके फिर एक्सटेंडेड के बाद कौन सा शब्द है बोलिए साथ में. जनरेशन. अगला शब्द क्या है जनरेशन. फिर क्या है ओकेजन. फिर क्या है ओकेजन. फिर इंटर एक्टिव. फिर इंटर एक्टिव. फिर हैबिट. फिर क्या है हैबिट. फिर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपको ये समझ में आया. यस मैम. तो अब आपको क्या करना है इन हार्ड वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है. ओके यस मैम. ठीक सब शब्दों को हार्ड वर्ड सब लोग याद कर लीजिएगा. ठीक है यस मैम. ओके इसके बाद बेटा आपकी अगली क्लास है ना. यस मैम मैथ्स की मैम.